मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स की जो ये चाबी आती है ना अपनी गाड़ी की, उसके की के हिडन फीचर्स के बारे में। तो ये है अपनी भाई कुछ चाबी, ठीक है। अब ये ना भाई इसकी ये स्पेयर की वाली चाबी है अपनी, ठीक है, जिसको मैंने अपना अपग्रेड करवा दिया था बटन वाली में, मतलब फोल्ड फ्लिप की में, ठीक है। तो सेम ही है, दोनों में कुछ अलग नहीं है। ये बॉडी चेंज हो गई थी, वो आप मेरी मॉडिफिकेशन वाली वीडियो में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अब मेन इस वीडियो को चालू करते हैं। भाई जो इसकी एक चाबी आती है अपनी गाड़ी की, उसके अंदर क्या क्या हिडन फीचर्स आते हैं, क्योंकि भाई बहुत भाइयों को ना यही लगता है सिर्फ ये बहुत बेसिक सी चाबी है, लॉक अनलॉक, ठीक है, कुछ इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बट मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इसकी चाबी के अंदर भाई बहुत सारे हिडन फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो एक एक करके चालू करते हैं। तो भाई जो सबसे पहला हिडन फीचर आता है ना भाई, वो आता है जैसे आप मान लो भाई कोई आए हुए हो मॉल वॉल में, ठीक है, कोई बड़े से या बेसमेंट में आपकी गाड़ी आपकी पार्क है, ठीक है, और अब आपको दिख नहीं रहा कि आपने अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करी थी, तो भाई उस चीज़ के लिए आते हैं ये दो बटन्स, ठीक है। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जैसे मुझे मान लो मुझे कोई पार्किंग हॉल में मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, इन दोनों बटन को प्रेस करके रखना है और अपनी गाड़ी होनी चाहिए लॉक, ठीक है, लॉक है, मैं सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, ये जो अपने दो बटन आते हैं ना अनलॉक और लॉक के, ठीक है, अब उसको रखना है, दबा के रखना है, ठीक है, दबा के रखना है। भाई अब आप खुद सुन सकते हो ये कितनी बुरी तरह बज रही है, ठीक है, और ये ना बत्ती रहती है, ये देखो। तो अब अनलॉक कर दे भाई, ठीक है। तो अब तो जैसे ये ना भाई गाड़ी बहुत भयंकर तरह बजती है, और मतलब बहुत ज़्यादा शोर आते हैं जब ये अगर ऐसे बजाओ ना, बहुत बुरी तरह बजती है ये कार, ठीक है, अगर ऐसे हो जाए तो। आपको कुछ नहीं करना, बस लॉक और अनलॉक वाली की को एक साथ प्रेस करके रखना है, तो गाड़ी ऐसे आपकी बजने लग जाएगी, और जिससे आपको पता लग जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी, और ये बहुत तेज़ बजता है, ठीक है। अब बढ़ते अपने सेकेंड हिडन फीचर की ओर। भाई वो आता है जैसे मान लो अब रात बेरात में हमें कहीं निकलना है और किसी को बताना नहीं है पड़ोसी वगैरह को कि हम जा रहे हैं, ठीक है, मतलब शोर नहीं करना बेसिकली, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए भी ये जो दो अपने बटन्स आते हैं ना अनलॉक और लॉक वाले, इन दोनों को बस दबा के रखना है, एक बारी, सिर्फ एक बारी दबाना है, ठीक है, क्योंकि उसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे मैंने अनलॉक करी, इसने ये आवाज़ करती है ना, तो ये उस आवाज़ को कैंसिल कर देगी, मतलब आवाज़ ही नहीं करेगी गाड़ी, ठीक है। मैं एक बारी सबको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, गाड़ी अभी मेरी लॉक है। अब मैं कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों जो ये बटन है ना अपने लॉक और अनलॉक वाले, इनको एक साथ प्रेस करना है, ठीक है, और एक ही सेकंड के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर के लिए प्रेस कर दोगे ना तो क्या होगा, ये गाड़ी अपनी बजने लग जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपने हिडन फीचर नंबर 1 देखा होगा, ठीक है, मैं जैसे ही एक ही मिनट के लिए प्रेस करूँगा, इसके इंडिकेटर देखना, ठीक है, अब इसने मुझे ये फ्लैश करके बता दिया। अब मैं जैसे ही अनलॉक करूँगा ना गाड़ी को, देखो, और लॉक भी करूँगा, ठीक है, ये सिर्फ एक ही टाइम के लिए एक्टिवेट होता है, मतलब सिर्फ 1 टाइम के लिए। अब मैं जैसे वापस अनलॉक करूँगा गाड़ी को अपनी, ये फिर बजी, तो ये सिर्फ एक ही टाइम के लिए अनलॉक होता है, ऐसा नहीं है कि ये बार बार ही के लिए हो जाएगा। अगर आपको बार बार ही के लिए करना है तो अपनी MID के लिए MID से कर सकते हो, और उस हिडन फीचर की जो पूरी वो है कि कैसे करना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके कुछ दूसरा हिडन फीचर। अब बढ़ते तीसरे हिडन फीचर की ओर। हिडन फीचर आता है ना भाई, वो आता है जैसे मान लो कि मैं कहीं गया हूँ मूवी वूवी देखने, या पार्किंग हॉल में कहीं पर भी गली मैंने पार्क कर दी गाड़ी, ठीक है, और अपनी गाड़ी लॉक है, ठीक है। अब जैसे ही कोई इसको मान लो यार किसी ने ऐसे इसको करा, ये बजने लग गई, ठीक है, ठीक है। अब मेरा इसका ये दिखाने का मतलब था जैसे अब ये गाड़ी बजने लग गई थी एकदम ही, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको अनलॉक करूँगा ना, देखना मुझे 3 बारी बीप करके बता दिया, मैं अनलॉक करूँगा, एक बारी वापस सुनो, 3 बारी बीप कर दिया, ठीक है, 3 बारी बीप तो करती। और मैं जैसे ही गाड़ी को अपनी इग्निशन पे डालूँगा ना, अब आप फिर देखना, आप देख सकते हो रेड कलर की बत्ती अपनी ब्लिंक कर रही है अब, ठीक है, अब आपने खुद देखा। तो इसका मतलब ये था कि भाई जैसी अगर कोई गाड़ी को हमारी छेड़ देता है ना हमारे पीठ पीछे से, और हमें पता लगाना हो कि मतलब किसी ने गाड़ी को ऐसे कुछ करा तो नहीं, तो आपको इसी से ही पता लग जाएगा। जैसे ही आप अनलॉक करोगे ना गाड़ी को तो ये 3 बारी बीप करेगी, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी, ठीक है। अब बढ़ते अपने फोर्थ हिडन फीचर की ओर। भाई जो अपना चौथा हिडन फीचर आता है ना इस चाबी का, भाई वो ये आता है कि मान लो जैसे कि, तो भाई जो अपना अगला हिडन फीचर आता है ना फिफ्थ हिडन फीचर, भाई वो आता है जैसे अब, भाई ये मुझे मतलब पर्सनल फेवरेट हिडन फीचर लगता है। मान लो भाई कोई मेरे साथ आ रहा है, ठीक है,
अब वो भाई मतलब कोई मेरे पीछे पीछे आ जा रहा है और मुझे पता नहीं लग रहा। अब मैंने जैसी गाड़ी को अनलॉक करा ना, मोस्टली कार्स में क्या होता है आपके सारे के सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे अब मैं तो आगे बैठ गया, अब कोई बंदा आके पीछे बैठ जाए या डिग्गी खोल के बैठ जाए, तो भाई इस गाड़ी के अंदर वो वाली चीज़ नहीं है। इसका सिर्फ ना सिर्फ सिर्फ फ्रंट डोर ही ओपन होता है, इसके बाकी डोर्स ओपन नहीं होते। अगर आपको वो सेटिंग भी चेंज करनी है तो MID से होती है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई ये मुझे बहुत बढ़िया फीचर लगता है भाई, क्योंकि आजकल लोगों को पता नहीं है, तो ये सही फीचर है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सिर्फ ड्राइवर डोर ही खुलता है एट अ टाइम, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा जो आती है ना भाई ये चीज़ कि क्या कहते हैं, फिफ्थ हिडन फीचर आता है ना इस गाड़ी की चाबी का भाई, वो ये आता है। मान लो जैसे ये गाड़ी की चाबी है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। अब मान लो मुझसे ये वाला डोर या मतलब कोई सा भी डोर खुला रह गया, मान लो ये ड्राइवर डोर ही खुला रह गया, ठीक है, ठीक है, ये मान लो अब खुला रह गया, ठीक है। अब मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ ना, ये गाड़ी लॉक नहीं होती, ठीक है। सबको पता है, या तो मतलब कोई भी कार या तो वो इंडिकेटर फ्लैश करती है अपने लॉक करने पे, जितना मर्जी लॉक कर लूँ ये गाड़ी नहीं अपने इंडिकेटर फ्लैश करती करेगी। तो इससे ना आपको ये पता लग जाएगा, अब देखो मैं चाहे एक सेकेंड, ठीक है, मैं चाहे जितना मर्जी कुछ भी कर लूँ ये गाड़ी लॉक नहीं होगी। ये है इसका लॉक बटन, ठीक है, इंडिकेटर फ्लैश नहीं करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब और अंदर की लाइट भी खुली रहेगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका ये इंडिकेटर फ्लैश नहीं करती, मतलब ना ही ये कुछ बजेगी। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपकी गाड़ी खुली रह गई है, ठीक है। तो बस यही थे कुछ वीडियो, यहीं तक ही था, ठीक है। धन्यवाद भाइयों यहाँ तक देखने के लिए, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।